आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 15 दिनों में एक बार अपने आंतों की सफाई जरूर करें, नहीं होगी कब्ज और पेट होगा खुलकर साफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लाइफ हैक्स में एक ऐसी समस्या के निदान के बारे में बताएंगे जो लगभग 70% लोगों को होती है, वो है पेट से जुड़ी समस्या कब्ज की, जिससे सुबह पेट अच्छे से अगर साफ नहीं होता है तो दिन भर निकालना मुश्किल हो जाता है। सुबह जब तक पेट खुलकर साफ ना हो तब तक व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शांति नहीं मिलती, और इसके साथ साथ पेट खुलकर साफ ना होने से आपको कब्ज की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में आपको बहुत अधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब किसी का पेट खराब हो जाता है या उसे कब्ज हो जाती है तो बहुत सारे शारीरिक समस्या लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा पूरा शरीर पेट पर ही आधारित होता है। अगर पेट में कहीं कोई भी छोटी बड़ी समस्या आ जाए तो आपको उसके लिए तुरंत कोई ना कोई अच्छा सा उपाय जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपको शारीरिक समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ हैक्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ हैक्स पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे पहले सब्सक्राइब करें और चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को इनेबल जरूर करें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 15 दिनों में एक बार अपने हाथों की सफाई जरूर करें, होंगे ऐसे चौंकाने वाले फायदे कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सभी को लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं, लेकिन उनका आपके पेट के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ऐसे में आप ये सोच लेते हैं कि घरेलू उपाय काम नहीं करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम सही घरेलू उपाय का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खुलकर पेट साफ ना होने की समस्या भी पहले दिन के इस्तेमाल से ही समाप्त हो जाती है, और आप खुलकर सुबह अपना पेट साफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वो ऐसा कौन सा घरेलू उपाय है जिसे आप घर पर ही बना सकते हैं और 15 दिनों में एक बार अपने पेट को साफ कर सकते हैं। इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए हमें जो आवश्यक सामग्री चाहिए वो है 3 से 5 ग्राम त्रिफला पाउडर, 1 चम्मच शहद, 1 गिलास गर्म पानी। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इस नुस्खे को बनाने की विधि क्या है और इसका सेवन किस प्रकार से करना है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद में 3 से 5 ग्राम त्रिफला पाउडर को 1 गिलास गर्म पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन करना है। ऐसा करने से पहले दिन से आपको कब्ज में आराम देखने को मिलता है और आपके पेट के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए पेट की समस्या या कब्ज की समस्या के रोगी को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। आपका पेट सुबह पानी की तरह साफ और हल्का हो जाएगा और आप दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों इसके अलावा कुछ अन्य और भी उपाय हैं जिन्हें आप आंतों की सफाई करने के लिए अपना सकते हैं। नंबर 1, नींबू में मौजूद तत्व पेट को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर खाना ठीक से पचता नहीं है तो आप सुबह में 1 गिलास गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर पिए। इसके सेवन से आपका पेट साफ हो जाएगा, इससे आपका वजन भी कम हो जाएगा। नंबर 2, हम भारतीय लोग अपने व्यंजनों में लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मौजूद सेलेनियम शरीर के रक्त परिसंचरण, पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। नंबर 3, सौंफ खाने से पेट और कब्ज की शिकायत नहीं होती है। सौंफ को मिश्री या चीनी के साथ पीसकर चूर्ण बना लीजिए। रात को सोते वक्त लगभग 5 ग्राम चूर्ण को हल्के से गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। आपको पेट की समस्या नहीं होगी और गैस के साथ साथ कब्ज भी दूर हो जाएगी। नंबर 4, प्रतिदिन सोने से 1 घंटा पहले दूध में उबाली गई 11 मुनक्का खूब चबा चबा कर खाएं और दूध को भी पी लें। इस प्रयोग से कब्ज की समस्या में तत्काल फायदा होता है। नंबर 5, कमजोरी, हृदय और आंतों के विकार, नजला एलर्जी आदि हो तो 250 ग्राम दूध में 10 मुनक्का उबालें, फिर दूध में 1 चम्मच घी या खांड मिलाकर सुबह पिएं। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है। इसके उपाय से हृदय, आंतों और खून के विकार भी दूर हो जाते हैं।
यह कब्ज नाशक है। जिन व्यक्तियों के गले में निरंतर खराश रहती है या नजला एलर्जी के कारण गले में तकलीफ बनी रहती है, उन्हें सुबह शाम दोनों वक्त 4-5 मुनक्का बीजों को खूब चबाकर खाना चाहिए, लेकिन ऊपर से पानी ना पिए। 10 दिनों तक निरंतर ऐसा करें, आप फर्क महसूस करेंगे। नंबर 6, गिलोय का बारीक चूर्ण को गुड़ के साथ बराबर की मात्रा में मिलाकर 2 चम्मच सोते समय सेवन करने से कब्ज का रोग दूर हो जाता है। नंबर 7, अजवाइन 10 ग्राम, त्रिफला 10 ग्राम और सेंधा नमक 10 ग्राम को बराबर मात्रा में लेकर कूट कर चूर्ण बना लें। रोजाना 3-5 ग्राम इस चूर्ण को हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करने से काफी पुरानी कब्ज समाप्त हो जाती है। नंबर 8, कब्ज के दौरान कई बार सीने में भी जलन होने लगती है, ऐसे में एसिडिटी भी हो जाती है और कब्ज होने पर शक्कर और घी को मिलाकर खाली पेट खाना चाहिए। नंबर 9, हरी सब्जियों और फलों जैसे पपीता, अंगूर, अमरूद, टमाटर, चुकंदर, अंजीर फल, पालक का रस या कच्चा पालक, किशमिश को पानी में भिगोकर खाने, रात को मुनक्का खाने से कब्ज दूर करने में मदद मिलती है। नंबर 10, इसबगोल की भूसी को रात को सोने से पहले गर्म दूध में या फिर पानी में घोलकर भी पिया जा सकता है। नंबर 11, खाने में हरे पत्तेदार सब्जियों के अलावा रेशेदार सब्जियों का सेवन खास तौर पर करना चाहिए, इससे शरीर में तरल पदार्थों में बढ़ोतरी होती है। नंबर 12, चिकनाई वाले पदार्थ भी कब्ज के दौरान लेना अच्छा रहता है। नंबर 13, गर्म पानी और गर्म दूध कब्ज को दूर करता है। रात को गर्म दूध में अरंडी का तेल डालकर पीना कब्ज को दूर करने में कारगर है। नंबर 14, नींबू को पानी में डालकर पीने, दूध में घी डालकर पीने, गर्म पानी में शहद डालकर पीने, सुबह सुबह गर्म पानी पीने से कब्ज को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 15, अलसी के बीजों का पाउडर पानी के साथ और 2 सेब फल खाने से कब्ज भगाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह से प्रभावी प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से कब्ज को स्थायी रूप से आसानी से दूर किया जा सकता है। ये है हमारी आज की खास वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि 15 दिनों में एक बार जरूर करें अपनी आंतों की सफाई, होंगे ऐसे चौंकाने वाले फायदे कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं होगी कब्ज और पेट होगा खुलकर साफ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदेमंद लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। Thanks for watching.